वाले को। उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज हम लोग अजहान के कहाँ थे सजन? स्नो वर्ल्ड शॉपिंग। शॉपिंग भी करना है ऐसे। एक्चुअली क्या हुआ ना, इंडिया में मेरी भांजी स्नो वर्ल्ड गई थी, मतलब इसकी बहन, तो उसको तब से जाना है वहाँ पर, वो बोल रहा है। तो ठीक है, करके हम लोग फाइनली आज जा रहे हैं स्नो वर्ल्ड। हाँ, वो एक्चुअली एवेन्यूज में है, तो वहीं पर हम लोग जा रहे हैं। चलिए वहीं पर मिलते हैं। फ्रेंड्स, कुवैत में ना सबसे ज़्यादा फेमस जो है ना ये मॉल ही है, एवेन्यूज़ मॉल, और ये सबसे बड़ा मॉल भी है यहाँ का। और अपना सारा दिन भी अगर घूमोगे ना तो भी ये मॉल ख़त्म नहीं होगा फिर कर, इतना बड़ा मॉल है ये। अरे ये देखो फ्रेंड्स, बच्चे ना जब अपने पैर रख कर वो जंप करते हैं तो स्टार्स स्प्रिंकल हो रहे हैं। ये अच्छा है, ये अलग अलग थीम्स बनाते हैं, कभी पानी का रहता है तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, अच्छा लगता है। और ये मॉल जो है ना, ये बहुत बड़ा मॉल है। यहाँ पर जो है ना लाइक इतना बड़ा एक शहर बसा हुआ है, या फिर गाँव बसा है अपने, वैसे बोल सकते हैं। गली रहेगी यहाँ पर, सब मतलब फ्लोर जो है ना, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ये ज़्यादा बड़ा ही नहीं है। लेकिन घूमने चलते चलते हम लोग को रास्ता ही हमारा ख़त्म नहीं हुआ, इतना बड़ा मॉल है। मेरा सीक्रेट ये एक बात बोलूँ कि मैं प्रेग्नेंट जब थी ना, 9th मंथ लगा हुआ था, और तभी मेरे सास ने और मेरे हस्बैंड ने इतना वॉक किया इस मॉल को लेकर आकर मुझे, कि नेक्स्ट डे मुझे लेबर पेन ही शुरू हो गया था। और ये एक सारा दिन में हम लोग ये मॉल पूरा घूम नहीं सकते, मैं 100% में बोल सकती हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है। इसको एटलीस्ट लाइक टू डेज़ भी नहीं, 3 डेज़ तो लगेगा ही लगेगा। अगर आपको ईच एंड एवरी शॉप अगर आप लोग को जाना है तो मुझे तो लगता है कि 1 वीक तो लगेगा ही लगेगा, इतना बड़ा मॉल है ये। कुवैत का सबसे बड़ा मॉल मैं तो ये बोलूँगी, बहुत अच्छा है। और देखो आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत क्यूट है, बट रात को नींद अच्छी आ जाएगी इस मॉल में अगर आप घूमोगे तो, पैर के दर्द से। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो है ना मुझे सता रहे थे, क्योंकि मुझे अरबी उतनी आती नहीं, पर थोड़ा थोड़ा मैं समझ जाती हूँ कि मुझे कोई सता रहा है। तो मैं कॉस्मेटिक्स को देखकर मैं कुछ बात कर रही थी, इतना ब्रांडेड है तो इसीलिए वो ऐसे बोल रहे थे। और ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है ना हम लोग ढूंढ रहे थे कि वो स्नो वर्ल्ड या फिर फ्रोसलैंड वो कहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ना हम लोग मैप में देखकर, हमारा फ़ोन पर हम लोग QR कोड कॉपी कर वो तो लोकेशन हमारा ऑन करके हम जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर छोड़ देगा। और यह देखो क्यूट सा टेडी है, जो कि अजहान उसका हैंडशेक नहीं कर रहा है क्योंकि वो डरता है ऐसी चीज़ों को देख कर, तो मेरे उसके दादा ने जाकर हैंडशेक कर दिया। तो फाइनली हम लोग जो है ना, हमें मिल गया था बहुत ढूंढने के बाद, ऑलमोस्ट लाइक 40 मिनट्स हम लोग ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ है कहाँ है, क्योंकि इतना बड़ा मॉल है। तो फाइनली हमें मिल गया था, तो हम लोग अंदर गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अच्छा था, सब कुछ अच्छा ही था, ओके था, इतना ख़ास भी नहीं था। और क्या इसमें बात है, पैसा टिकट भी बहुत महंगी थी इसकी, पर पर्सन 11 KD था। मतलब 11 KD का मतलब होता ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़ इंडिया का अमाउंट मैं बोल रही हूँ, तो पर पर्सन है ये। और अजहान के साथ मैं जा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, और अजहान जाना है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अजहान को जाना है तो अजहान के साथ एक गार्डियन है,
अब उसके पापा जा रहे हैं, तो अजहान को 11 KD मतलब 2500, और फिर उसके पापा को 7 KD बनना पड़ेगा, मतलब ऑलमोस्ट 1000 समथिंग, 200 or 300 समथिंग लाइक दैट। ओके ठीक है, पे कर कर हम लोग अगर अंदर जाए भी तो ना, तो हम लोग अडल्ट खेल नहीं सकते वहाँ पर, वो बोले थे सिर्फ बच्चे ही खेल सकते हैं। और अजहान कैसा है पता है? ठीक है फाइन, बच्चे के लिए हम लोग पे भी कर देंगे, अजहान अकेला जाकर खेलेगा भी नहीं, उसको ना उसका पापा चाहिए, उसके पापा जो है ना उसके बड्डी है, उसे फ्रेंड है उसके, तो अगर पापा जाएंगे तभी वो खेलेगा। तो उस सारी चीज़ों में ना हर जगह अजहान को उसके पापा ही चाहिए, पापा के साथ ही वो बैठेगा। फन सिटी में भी अगर वो बोटिंग में जा रहा है तो उसमें भी उसको पापा बैठना है, फिर वो बैठेगा, ऐसा करता है वो, अकेला किस में भी नहीं बैठा। अगर इंडिया में भी जाओ ना तो उसकी कज़न बहन है उसकी, तो उसके साथ वो बैठता है। तो देखो यहाँ पर बच्चे इंडिविजुअल वो लोग खेल रहे हैं, कार ये सब आइस का बना हुआ है, स्नो से बना हुआ है, मतलब टोटल आइस एकदम कूलिंग चिलिंग था। लेकिन इसमें अच्छी फैसिलिटी क्या पता है, चेन्नई में ना बिना टिकट के हम लोग अंदर नहीं जा सकते, ऐसे बोलते हैं। इंडिया में आई थिंक नॉट इवन चेन्नई, एवरीवेयर इन इंडिया ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है टिकट के बिना भी हम लोग अंदर आए हैं, लेकिन जो जो खेलने वगैरह का है वो सब हमें पे कर कर ही जाकर खेलना है, ये सब आइस से ही बना हुआ है, तो इस वजह से हम लोग नहीं लिए, क्यों पैसा वेस्ट करना। अजहान खेलेगा नहीं, अजहान को पूछे हम तुम अकेले जाकर खेलोगे क्या इस पर, ये स्लाइडिंग में भी अजहान अकेला ही आना है, तो वो पूछे तो अजहान बोला नो पापा आना चाहिए। करे भाई पे करने के बाद कोई ना वो लोग हमें वापस करेंगे पैसा, इसलिए हम लोग गए ही नहीं वहाँ वापस, आ गए ऐसे ही अजहान एंजॉय कर रहा था टच करने खाली वो जगह है कि जा सकते जाना नहीं कर रहा क्या अभी देख डाला मैं बोल डालो है ना को बोल डालो यार उसे ना बोल डालो नीचे जाओ खेल तुम मत नीचे कैसे जाओ खेल लिया क्या अभी बोल ना को छोड़ो यहाँ की सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी थी कि आप टिकट लो या ना लो लेकिन आराम से जाकर आप बैठ सकते हो सब आराम से वहाँ पर बहुत अच्छे से फैसिलिटी थी और यहाँ से जब हम लोग देख रहे थे ना तो नीचे जो है ना इसी का ग्राउंड फ्लोर में ना जो सैंड से ना सैंड पिट ऐसा बोलते हैं ना लाइक स्लाइडिंग सब बना हुआ था तो अजहान को वहाँ जाना है वो खेलना है उसे बोल रहा था ठीक है ओके फाइन वो तो 6 KD था पर पर्सन अजहान के लिए तो अजहान को भेजेंगे करके हम लोग वहाँ जाने के लिए सोच रहे थे और ये जो अजहान खेल रहा है ना ये रियल स्नो नहीं है फ्रेंड्स ये ऐसे ही पत्थर का बना हुआ है लेकिन वीडियोज़ में रियल स्नो की तरह लगता है ना तो हम लोग नीचे आ गए थे यहाँ पर अजहान को दूसरी चीज़ मिल गई उसके व्लाडा निकी मिल गए उन लोग का सरप्राइज गिफ्ट जो रहता है ना व्लाडा निकी शो रोमाडियाना शो तो वहाँ का वो व्लाडा निकी वाओ अजहान यू वांट टू नो नीड ठीक है हमने कौन सी सरप्राइज गिफ्ट सरप्राइज गिफ्ट व्लाडा निकी अंदर 20 सरप्राइज गिफ्ट नहीं है अंदर अजहान वांट्स टू ओपन बिकॉज़ सुपर हीरो ये अजहान का फेवरेट शो है व्लाडा निकी दो भाइयों का शो है अभी तो तीन भाई है क्रिस चला आ गया है डायनासोर डायनासोर यो बिग डायनासोर क्या होगा तो व्लाड और निकी का सरप्राइज एक देखने के बाद अजहान का दिल बदल गया और उसे वहाँ पर खेलने जाना भी नहीं था जो ये ही वाला था जो मैं बोल रही थी ऊपर से हम लोग देख रहे थे तो अजहान को यहाँ जाना था उसे लेकिन अभी जब वो सरप्राइज देख दिया तो उसे वहाँ पर भी नहीं जाना है वो बोल दिया सिर्फ सरप्राइज चाहिए तो उसे वो जिद कर लिया था कि वो चाहिए चाहिए तो फिर उसके दादा ने और दादी ने गिफ्ट कर दिया उसे लेकर बहुत एक्सपेंसिव था मैंने मना भी किया था कि इट्स नॉट वर्थ इट मुझे तो वर्थ ऐसा नहीं लगता है वो चीज़ का कि इतना एक्सपेंसिव क्यों है भाई 18 KD का था वो तो इसीलिए मैंने कहा कि नहीं चाहिए वेस्ट क्यों करे पैसा तो ये देखो रोमा डियाना के ये डियाना के सारी चीज़ें थे किसका नाम मंगता सो तू निकी सरप्राइज किसका नाम मंगता सो दादा का किसी पापा किसी पापा किसी पापा किसी पापा
घर कब जाएगा कब खोलेगा कब खोलेगा बोल गाइस आपने दे 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 चलो आप कहाँ जाएंगे दूसरा चलो हम निकलेंगे। अच्छा तो उसके पापा ने भी ठीक है फर्स्ट टाइम उसने कुछ मंगा है तो वो जब शोज देखता है तो उसकी ख्वाहिश होगी ना तो ठीक है करके ले देंगे करके ले लिए थे हम लोग ने। शाम हो गई है ना तो लाइटिंग वगैरह यहाँ की ऑन हो गई है तो और भी खूबसूरत दिखता है मॉल। सच में मैं बोलूँगी ये मॉल सबसे खूबसूरत मॉल है इन कुवैत आई कैन से दैट इट्स वेरी ब्यूटीफुल रियली। और बहुत ही एक्सपेंसिव मॉल भी है ये हर चीज़ एक्सपेंसिव मिलेगी हर चीज़ मैं बोलूँगी लेकिन बहुत क्राउडेड मॉल भी है एवरी वीकेंड यू कैन सी फुल क्राउड रहता है और मोस्टली यहाँ पर कुवैती लोग ही आते हैं यहाँ पर तो क्राउड सो ज़्यादा रहता है यहाँ पर मैक्सिमम मैं हर वीक कभी भी वीकेंड में आती हूँ तो यहाँ पर क्राउड तो ज़्यादा होता है। और ये दिस वे में मतलब इस रास्ते में जो भी है ना पूरा ब्रांडेड और भी ज़्यादा ब्रांडेड लाइक पॉर्श टाइप सब ब्रांडेड थिंग्स मिलते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा क्राउड कम था उतना क्राउड नहीं था लेकिन ऐसे इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी जगह में आपको लाइक सस्ते में मिलता है ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर कुछ भी सस्ता नहीं है मैं बोलूँगी एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव कुछ भी आप ले उठाओगे तो हर चीज़ महंगी से महंगी रहेगी यहाँ पर। तो चलिए गाइस इतने दिन मैंने व्लॉग्स नहीं बनाए तो इसलिए सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए यही कारण था। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आगे भी कोशिश करूँगी डेली व्लॉग्स डालूँ तो अब मेरी वीडियो अच्छी रहेगी तो लाइक करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय बाय।